सो गाइस फाइनली अभी मैं आ गई हूँ अंदर और मम्मा भी बैठी हुई है। ओके जी, तो माँ जी से भी हमने मिल ली है। और शुक्रिया आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे इतनी अच्छी तरह मिली है। शुक्रिया कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, मैं आपको खुश देखूं नसीब ने। सलामत इंशाल्लाह आपको मौला बहुत तरक्की देगा, आप सलामत रहोगे। ओके जानी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो अभी मैं उठ गई हूँ आज सुबह सुबह, मैं उठी थी 7:30 बजे, जैन को तैयार किया, उसको स्कूल भेजा है क्योंकि मुझे आज जाना था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम। आज हम लोग किसी से मिलने जा रहे हैं, मैं और मेरी मामा। तो मैंने मामा को सुबह सुबह उठा दिया था, मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, जैन को मैंने रेडी करके स्कूल भेज दिया है। मामा गई हुई हैं केक लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है किसी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता। तो मामा को मैंने भेजा, वो केक ले आए, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। राइड हमने करवा ली है, तो जैसी वो आती हैं तो हम लोग फिर निकलते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं बता रही कि क्या पता हम उनसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो पहले ही मैं आपको इस तरह बता दूँ। तो चलते हैं अभी हम लोग, और अगर हम मिले उनसे तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलवाएंगे। मम्मा आ गई थी, केक लेकर आई हैं और अभी पता नहीं कौन सा केक है। सो चलते हैं फिर, अब जल्दी से राइड हमने करवा ली है, बस राइड वाला आ रहा है। मम्मा भी बस रेडी हो गई हैं, केक शेक भी आ गया, मैं भी रेडी हूँ। ये देखिए जी, ज़रा मैं भी रेडी हो गई हूँ और मैंने नई फ्रॉक पहनी है, नज़र नहीं आ रही है ठीक से, चले कोई बात नहीं, चलते हैं हम जल्दी से। और पहले हम बहुत लेट हो गया, हमने 9 बजे निकलना था, 9:30 हो गया। ट्रेन ड्राइव हमारी आ गई है, तो मैं और मम्मा अब जाते हैं, चल रहे जी। मम्मा कह रही दरवाजे के आगे खड़ा, आ जाए, हमें टाइम लगना जाने में, 1 घंटा तो लग जाएगा कम से कम। सो चलते हैं जल्दी से और रास्ते में आपको भी अपडेट करते रहेंगे, और जल्दी जल्दी जा के तो बताते हैं आपको हम किस से मिलने जा रहे हैं। सो फाइनली अभी हम लोग पहुँच जाए हैं सोसाइटी के बाहर, और ये देखें जी एंटर होने लगे हैं, बस अंदर अभी घर जा भी अंदर जाएंगे और जाकर घर ढूंढेंगे कि घर को चले गए। अंकल को बताते हैं हाउस नंबर। A few moments later. So guys, finally अभी मैं आ गई हूँ अंदर और मम्मा भी बैठी हुई हैं। ये ले जी, आपको देख के पता चल गया होगा हम किसके घर आए हैं। तो मुझे लगता है अभी रजब भाई सो रहे हैं, तो आंटी उठी हुई थी, उन्होंने अच्छी तरह वेलकम किया। अभी देखते हैं कि रजब भाई कब तक आते हैं। ओके जी, तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और रजब भाई जो है ना वो उठ रहे हैं, और ये देखें जी अभी उनकी मम्मा गई हैं अंदर उन्हें उठाने के लिए, तो वो सो रहे थे, अभी सोए थे सुबह हम लोग आ गए। सामने उनका कमरा है, गई है उन्हें उठाने के लिए। हम लोग आ गए थे रजब भाई के घर और ये बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? माहम फातिमा फैमिली। माहम फातिमा फैमिली के नाम से मेरी बहन आई है, सैयदादी है और काफी दूर से आई है, इनकी माँ जी भी साथ आई है, बहुत प्यारी फैमिली है माहम फातिमा फैमिली। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि ये अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आ सके और इनका वॉच टाइम भी ब्लॉग। थैंक यू सो मच। ओके जी, तो माँ जी से भी हमने मिल ली है, और शुक्रिया आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे इतनी अच्छी तरह मिली है। शुक्रिया कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, मैं आपको खुश देखूं नसीब ने। सलामत इंशाल्लाह आपको मौला बहुत तरक्की देगा, सलामत रहोगे। ओके जानी, ओके जी, तो अब हम लोग चलते हैं बाहर, मम्मा मेरा वेट कर रही हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग मिल रहे हैं रजब भाई से, हम लोग ने मिल लिया था और अभी हम लोग वापस आ गए हैं, मम्मा बैठी हुई हैं, रिक्शे में वापस जा रही हैं घर।
आज शाम तक आपके सब लोग है ना हम अपलोड कर देंगे। सो फाइनली गाइज हम लोग आ गए थे घर और अभी जो है जैन का टाइम होने वाला है, जैन स्कूल गया हुआ तो उसको लेने के लिए जाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को बताएंगे भी कि रजब भाई से मिलकर हमें अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि कुछ चाय पानी करें बट हम नाश्ता वगैरह घर से करके गए थे, मतलब चाय पी के गए थे तो हमने कुछ भी नहीं खाया पिया वहाँ पर और जो है ना काफ़ी देर हम लोग बैठे भी रहे, हम सोए हुए थे, उठ के आए स्पेशल, चार नींद भी उनकी ख़राब, हमारे बैठे बैठे काफ़ी लोग आ गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम उन्होंने दिया अपना और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। हम लोग घर आ गए थे और सिस्टर कहती हैं कि जाके ज़रा जैन को ले आओ, तो मैं तैयार हो गई थी क्योंकि मैंने नकाब किया हुआ था, तो यदि तुमने नकाब किया हुआ तुम जाके ले आओ, सो अब चलते हैं जैन को लेने के लिए। आज वैसे भी टाइम नहीं हुआ लेकिन फिर भी जल्दी जाके ले आती हूँ, ये पैसे मैंने लिए हैं ये जैन के ना स्कूल में कुछ ने कॉपी ली थी उसके पैसे देने हैं, सो चलते हैं हम जल्दी जल्दी। अभी मैं आ गई हूँ स्कूल में और मुझे लगता है अभी जैन अभी फ्री तो नहीं हुआ लेकिन खुश हो जाएगा जिसको पता चलेगा खाला जल्दी लेने आ गई है तो। ओके जी, तो जैन आ गया और जैन ना स्कूल में एक ट्रेजेडी हो गई थी छोटी सी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रो रहा है, करने लगी है नाश्ता, नाश्ते में कुछ ज़्यादा नहीं लाए, केक है और बाकर खानी है, मसला है, साथ में हमने बनाई है चाय। नाश्ता वगैरह करके हम लोग आ गए थे ऊपर और जैन भी ऊपर आया हुआ था, ऊपर का मौसम जो है इतना प्यारा हो रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं थोड़ी देर ऊपर चले जाते हैं, साथ साथ थोड़ा इसी बहाने थोड़ा काम भी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लगा ली थी मशीन क्योंकि थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना वॉश कर लिए जाए, क्योंकि आगे आपको पता है रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाता है, डेली के जो कपड़े होते हैं ना वो तो वॉश हो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। और आपको पता है कि आज हम लोग रजब भाई से मिलने गए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा, उनकी वालदा जो थी बहुत ही स्वीट थी, बहुत नाइस पर्सन थी, खुद भी वो बहुत अच्छी तरह हमसे मिले हैं, मैंने कमेंट्स देखे थे और बहुत से लोगों से बातें वगैरह सुनी, वीडियोस देखी कि भाई जाओ तो वो मिलते नहीं हैं ठीक से, उनका बिहेवियर लाइक बहुत बुरा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था, बहुत अच्छी तरह वो मिले हैं। देखिए अगर हर किसी के साथ वो फ्री होने लग जाएंगे ना तो फिर सारे लोग जो है ना आपको पता है आजकल की आवाम कैसी है, हर टाइम उनके घर में घुसी रहेगी। अभी भी हमारे बैठे बैठे दो फैमिलीज आ गई थी, तो अगर वो ज़्यादा फ्री होके करने लग जाएंगे फिर तो उनके घर से मुझे लगता है लोग हटेंगे ही नहीं, हर टाइम ही रश लगा रहेगा। तो बाकी मुझे तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है उनके बारे में, तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। सो चैनल को जाके आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आप लोग जो है ना देखते भी नहीं हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, सो प्लीज़ जाके आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, मिलेंगे आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।